हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान की सियासी जमातों की क्यादत का फैसला, वो कोई सियासी जमात हो, उस जमात का कारकुन करेगा, चंद लोग नहीं करेंगे। चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे। चंद लोगों को 21 करोड़ के इस मुल्क की किस्मत के फैसलों का हक नहीं देंगे। चंद लोग सियासी जमातों पर अपने फैसले मुसल्लत करें तो जनाब स्पीकर गिला है। पैनमा के बाद ये सूरत हाल जो है शिद्दत पकड़ गई, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में शामिल लोग आज हमें ये ना बताएं कि हमारा स्ट्रगल क्या था। हमारा स्ट्रगल कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहा है। हमने कभी एक शख्स के लिए अगर काम किया होता तो मोहतरमा की शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर की शिक हमारे किसी काम की नहीं थी, वो कदम लगी रहती। लेकिन हमने उसूली मौकफ अख्तियार किया, जो वादा शहीद मोहतरमा ने किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने वो पूरा किया। आपने भी जो वादे किए थे कि अंधेरे में छुप के मुलाकातें नहीं करेंगे, आप तो अंधेरों में मुलाकातें करते रहे और आज हमें आप जमहूरियत का दर्द पढ़ा रहे। हमें बता रहे हैं जमहूरियत क्या है। आप हमें ना बताएं जमहूरियत क्या है। आप वो लोग आपकी सफों में शामिल है जिन्होंने इमरजेंसी का कानून लिखा, जिन्होंने 2007 में आने वाली इमरजेंसी के कानून को भी लिखा। लीगल एडवाइजर थे वो। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ को भी एडवाइस किया। और आज जमहूरियत सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेने से आप जमहूरी नहीं होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में शाजिया मरी साहिबा जितनी चार्ज थी आज और जेन्युइनली चार्ज थी, मेरे ख्याल में उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। मेरे ख्याल लॉजिकल बात कर रही थी और कोई इलॉजिकल बात भी नहीं उन्होंने की। एट द वेरी सेम टाइम आपने साद रफीक साहब को सुना। साद रफीक साहब जो थे वो ही वॉज कमिंग अप विद थ्रेट्स और वो इनडायरेक्ट थ्रेट्स थी, और वो इनडायरेक्ट थ्रेट्स के लिए थी वो मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो थ्रेट्स किसके लिए थी। साद रफीक साहब से मेरा एक बड़ा अच्छा एक मोहब्बत का रिश्ता है और मैं उनसे शायद पिछले कई सालों से मिला तक नहीं, लेकिन फिर भी जो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे साद रफीक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, इट इज़ अ थ्रेट, इट इज़ अ इनडायरेक्ट थ्रेट और बड़ी ऑब्वियस थ्रेट है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ये स्टेटमेंट दी जाएगी तो इसका इसके असरात क्या होंगे, इसको ज़रा जहन में ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल ज़रूर है, पार्टी को हेड ज़रूर कर सकते हैं, बट ये एक शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म की अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल में इस पर ठीक है मुस्लिम लीग वाले आज बहुत खुश होंगे, लेकिन ठीक है उनको खुश होना भी चाहिए, लेकिन उनकी मेजॉरिटी है, अगर वो खुश भी हों तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो ये चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ने ये बिल सामने रखा, और ये बिल अगर पीपल्स पार्टी सामने रख रही है तो जो लोग आज भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी शायद नून लीग से मिली हुई है या नवाज शरीफ से मिली हुई है अंदर खाने में, वो मेरे ख्याल में आज ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सारी जो प्रिसेप्शन बनी हुई है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से या नवाज लीग से मिली हुई नहीं है। कम अज़ कम आज तक इस स्टेज तक तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कि वो मिली होगी। इसके बाद जो बातें की जा रही है कि जनाब पहले मियां नवाज शरीफ साहब की बारी है, उनका एहतसाब होगा और उसके बाद पीपल्स पार्टी वालों का एहतसाब होगा, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी वालों का एहतसाब होता है या नहीं होता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी ने किया, आज जो शाजिया मरी ने किया, उसको मेरे ख्याल में बिल्कुल सामने ऐसे एक क्लियर ट्रांसपेरेंट चीज़ है उसको सामने रखे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो स्पीच की, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की। डेमोक्रेसी जो है, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि लाइव कॉलर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहता ही हूँ कि आप अपनी कॉल ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कितने लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर,
पाकिस्तान से बाहर जो इतने लोग पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आती है या नहीं आती है, और अगर आती है तो प्लीज़ हमें भी समझाइएगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। तो ये जो वन पर्सन सेंट्रिक जो बात हम बार बार कर रहे हैं उसकी प्ली जो भी ली जाए, चाहे वो मुशर्रफ के दौर की प्ली ली जाए कि जनाब वहाँ पे उसको अनडू किया गया था, या जनाब पीछे भुट्टो साहब के दौर की बात की जाए कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री, बट द पॉइंट इज़ कि आज क्या है होने जा रहा है और आगे क्या होगा और आज क्या हुआ, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है सेंटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, अली मोहम्मद ख़ान साहब तहरीक इंसाफ से, और शेख आफ्ताब अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं, आप इन लोगों से सवालात भी कर सकते हैं, और मुझे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन चाहिए, मुझे जमहूरियत की डेफिनेशन चाहिए, जमहूरियत की तारीफ चाहिए, और मैं पूछना चाहता हूँ कि जमहूरियत है क्या, क्या आप लोगों को पता है कि जमहूरियत है क्या, और अगर पता है तो मुझे भी बताइए और मेरे पैनल को भी बताइए कि जमहूरियत है क्या। अगर ये जमहूरियत है तो ठीक है, गुड फॉर यू, गुड फॉर अस, लेकिन अगर ये जमहूरियत नहीं है तो फिर आपको क्या चाहिए, वो मैं पूछना चाहूँगा। मैं अली मोहम्मद साहब आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगा। अली मोहम्मद साहब, डू यू थिंक के डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सबको आती है, और आज जो कुछ हुआ वो आपकी नज़र में ठीक था, क्योंकि मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी है हाउस में, और ये जो बिल आया वो उसको उसने जाना ही था, इधर उधर जाना ही था, उसमें आप कामयाबी नहीं मिल सकती थी, बट एट द वेरी सेम टाइम इट वॉज़ अ एफर्ट विच वॉज मेड, और मुझे नहीं लगता कि ये जो हेड ऑन जा रही है इस वक्त हुकूमत, आई वुड से हुकूमत में कुछ लोग मौजूद नहीं थे, हुकूमत के अराकीन कुछ लोग मौजूद नहीं थे आज असेंबली के अंदर भी, और कुछ लोगों ने एक्सक्यूज़ किया, क्या एक्सक्यूज़ थे वो मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा, आपको शेयर कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन क्या एक्सक्यूज़ थे, क्या उन्होंने एक्सक्यूज़ लिए और किस वजह से इधर उधर हो गए, वो एक सेपरेट चीज़ है। क्या दबाव थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के, मैं सिविलियन आउटफिट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या यहाँ पर प्रेशर्स थे वो कि जनाब आप लोगों ने मौजूद होना है, क्या जनाब वहाँ पे कहा गया था कि जनाब आप लोगों को फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाएंगे, आप असेंबली में पहुँचे, और जो लोग नहीं पहुँचे उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों में क्या हरकत होंगी, वो बात की बात है। लेकिन अली मोहम्मद साहब, ये डेमोक्रेसी है या इज़ इट एज लाइक अ सिविलियन डिक्टेटरशिप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मुबारक अला सय्यदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबशिर साहब, आपको और आज न्यूज़ के तमाम नाज़रीन सब पाकिस्तानियों को जो है बार रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन्नबी, और ये जो एक मुक़द्दस महीना है ये सबको मुबारक हो जो आ रहा है, इम्पोर्टेंट डेज आ रहे हैं। देखें, वो कहते हैं कि निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले जिस्म जहाँ बचा के चले। एज अ पार्लियामेंटेरियन जो पहली दफ़ा इधर आया है, हालांकि पार्लियामान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे आदमी का पोता हूँ जिसने मुल्क बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुल्क बनाया, और मुस्लिम लीग में थे वो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे, पीर मोहम्मद ख़ान और लाठियाँ कहीं इस मुल्क के लिए। आज लोग बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, मुझे मेरे दादा की वो बात याद आती है, 95 में उनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा कि मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से बनाया है, अल्लाह इसको मेरी ज़िंदगी में कुछ ना करे, और मियाँ साहब से वो हमेशा गिलामंद रहते थे कि उन्होंने मुस्लिम लीग को बड़ा नुकसान दिया। तमाम मुस्लिम लीगों की मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान जो बना था अपने जो पुरखे थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी उनकी रूहों को आज शर्माया है, अपने हाथ से आज आपने आईन को एक तरह से दफन करके निकले हैं यहाँ से। मैंने ये शेर क्यों पढ़ा, मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा कि मैंने अपनी सियासत की इब्तिदा एक पीटीआई एक नए प्लेटफॉर्म से क्यों की, मैं कभी कोई पॉलिटिकल कारकुन नहीं रहा, इसलिए इधर से की कि आप लोगों ने पाकिस्तान की सियासत के साथ ही किया और बार बार करते रहे, आज आपने फिर किया, आईजीआई के ज़माने में किया आपने, पैसे लिए, आईएसआई का वो जो मशहूर केस है उसका सुप्रीम कोर्ट में, उससे लेके आज तक क्या आपने सबक सीखे? तो आज जब मैं वहाँ बैठा था राना मुबशिर साहब, तो मुझे ये नहीं लगा कि आज़ाद लोगों की पार्लियामान है, मुझे क्या लगा, मुझे तो अपने बाएं तरफ कुछ गुलाम नजर आए, कुछ ऐसे गुलाम नजर आए जिनको उंगली के इशारे पे खड़ा कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया कि सुबह आओ
मेरे साथ लंच करो, जाके अपना वोट डालो। मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होता। सियासत में आप एक आज़ाद राय रखते हैं। आपने अगर ये एक मिसाल बनानी है कि हमारे पार्लिमान को एक ऐसा आदमी लीड करेगा जो किसी भी वजह से डिसक्वालीफाई हो, इसका मतलब यह है कि आपने अपने इन करोड़ों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। और देखें, आईन की हम बड़ी बात करते हैं, व्हाट्स गोइंग टू बी द इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट क्या नजर आता है आपको? इसका राणा साहब, इसका इंपैक्ट ये है कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर आदमी अपने अपने उसमें एक लीडर होता है, हर आदमी अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में एक लीडर होता है, लोग आपकी तरफ देखते हैं। आज इन लोगों ने खुद अपने आप को पॉन्स बनाया है, पॉन्स, प्यादे, प्यादे बनाए कि हम प्यादे हैं, हम हैं इसी काबिल, हम गुलाम हैं, जो है और गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। जो है ये तो है ही ऐसे प्यादों की है ना जी, यहाँ पे इसमें आप इसको ब्लेम तो नहीं कर सकते, प्यादे तो सब हैं। क्यों ख्वाज साहब ऐसे ही है ना, प्यादे तो सब होते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज जो इनिशिएट किया बिल, आपके जहन में क्या था कि आप लोगों को पता था कि मेजॉरिटी तो आप लोग नहीं अचीव कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक जो वो आपको ब्लेम जो लगा हुआ है या आपके जो शक किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए किया कि जनाब आपकी मुस्लिम लीग नून से अंदर खाने में कोई ऐसा कोई डील नहीं है या आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको ख़त्म करने के लिए किया, या वाकई आप लोग ये समझते थे कि ये बिल आपको लाना चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए? ये बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है लीडरशिप ने फैसला किया इस हवाले से, तो जरदारी साहब ने फैसला किया। नेचुरली जो भी फैसला होता है उसमें आप जरदारी साहब का नाम ले सकते हैं, नेचुरली लीडर तो वो हैं और बिलावल साहब हैं दोनों, तो ये तो नहीं होगा कि करीम ख्वाजा ने फैसला किया। नेचुरली आसिफ साहब और बिलावल साहब का मुश्तरक फैसला होगा, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट हम सब ने किया, तो पहले सेनेट में हुआ, आज नेशनल असम्बली में हमने पूरी कोशिश की अलॉन्ग विथ अदर पोलिटिकल पार्टीज, इसमें PTI और दीगर पार्टीज ने वोट दिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में पार्टीज़ की तरफ से बिल्स आते हैं, उसमें तरमीम होती है, प्राइवेट मेंबर देश पर बिल आते हैं, ये सब पार्ट प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें कामयाबी होती है नहीं होती है, मगर एफर्ट हमने किया। जिस तरह सेनेट में हमने पास किया मेजॉरिटी से, पार्टी दूसरी पार्टीज की सपोर्ट से, इसी तरह आज हमने कोशिश की। मुझे लगता ये है कि मुझे जो व्हाट आई फोरसी, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो फर्स्ट ईयर के पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडरशिप है फर्स्ट ईयर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो मुझे आइंदा आने वाले दिनों में नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं, जैसे किसी भी पार्टी के लीडर को देख लें इस वक्त जो मौजूद है, मुझे आइंदा आने वाले दिनों में वो नज़र नहीं आते। मुझे लगता ऐसे है कि आइंदा जो सियासत होगी, आइंदा जो इलेक्शंस होंगे, आइंदा जो सियासत की जाएगी, वो सेकंड ईयर की जो लीडरशिप है वो लोग करेंगे। सेकंड ईयर से लीडरशिप की मुराद मेरी ये है कि जैसे नवाज शरीफ हैं वो शायद सियासत ना करें, जैसे जरदारी साहब हैं वो शायद हो सकता है वो सियासत ना करें या उनका एस एच वो रोल ना हो। मुझे लगता ऐसे है कि हो सकता है ऐसे इमरान खान साहब जो है वो सियासत ना करें, उनकी उनकी जगह हो सकता है कोई और हो। सो मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, आई एम सेइंग दैट, बट देन अगेन मुझे दैट्स हाउ आई फील। एक कॉलर ले लूँ, मैं एक कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद है। जी उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका प्रोग्राम रेगुलर तो मैं। अच्छा सर, मेरा सवाल है अली मोहम्मद खान साहब से। जी यार, हमने उनसे ये पूछना था कि अब इमरान खान साहब जो बात करते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की, तो वो खुद आज इतने अहम मौके पे पार्लियामेंट में आए नहीं, फिर कैसे वो फ्रंट से लीड करेंगे? ये हमें मतलब जवाब चाहिए इस चीज का। ओके, तो खान साहब रोल मॉडल बनेंगे तो बात बनेगी आगे, वरना तो इस तरह हम देखते रह जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी अली साहब। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल है और खान साहब को बिल्कुल आना चाहिए, सबको पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट लेकिन क्यों नहीं आए? पार्लियामेंट से बड़ा कोई भी नहीं होता। मैं समझता हूँ खान साहब को आना चाहिए, हम उनको कहते भी हैं। लेकिन आज क्यों नहीं आए? मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए था, शायद उन्होंने कोई स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि वो खुद आज नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त की पार्लियामेंट चल रहा है, इमरान खान साहब को थोड़ा लो तो नहीं फील कर रहे, कोई डिप्रेस तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन खान साहब की आपको पता है उनकी एक तबीयत है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त की पार्लियामेंट अपना एक लिहाज से अपना असर खो चुकी है। मियां साहब की जाने के बाद वैसे भी
नवाज शरीफ साहब की जो जमात है वो मॉरल अथॉरिटी वो खो चुकी है, या वो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक शाह महमूद कुरैशी साहब ज़्यादा अच्छे, वैसे इमरान खान साहब भी बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, मैंने उनको देखा है फ्लोर ऑफ द हाउस में, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को वो लाना चाह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आए, वो तकरीर करें और वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करें, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था आज कहने के लिए और वो बड़ा अच्छे तरीके से बोले भी। नहीं ऐसे ये वजह थी या और ऐसे नहीं होता, मसरूफियात थी कोई, ऐसे नहीं होता, एक स्ट्रेटजी होती है, एक मीटिंग होती है और उसके बाद एक स्ट्रेटजी डिवाइस होती है। स्ट्रेटजी एट दिस मोमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, ऐवान में आ जाना चाहिए था ना, और उनको आएंगे लेकिन आ जाना उनको इंशाल्लाह हम एज अ वज़ीर आज़म देखेंगे, कौम देखना चाहती है। आपने माइनस वन की बातें की हैं आज राणा साहब, माइनस वन की बातें मैंने ये की कि फर्स्ट ईयर की लीडरशिप की बात की, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, आज जो साद रफीक साहब ने गुफ्तगू की है, अगर वो माइनस वन से मतलब है कि किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कोई माइनस होता है तो वो तो हम भी समझते हैं, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कोई माइनस हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो इस आईन की, नहीं उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि वो किसी रखवाली है, बंच ऑफ पीपल कैन नॉट डिसाइड द फेट ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। जरा बिल्कुल आप दिखाने की भी शायद जरूरत नहीं है, सबको पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे कुछ उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज की, ना पीपल्स पार्टी ने रेज की ना आपने? मैं पीछे से जरा मैंने एक दो तीन चीखे लगाई थी जिससे उनके जरा टेम्पो टूटा था। चीखे लगाई थी? मैं यहाँ पे ना मुनासिब समझता हूँ, वो वहाँ पे मुनासिब वो नारे यहाँ पे लगाना, क्योंकि वहाँ मुझे प्रिविलेज है। अच्छा। वहाँ पे मुझ पर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ राणा साहब एक बात में, लेकिन आपने बताया नहीं कि राणा साहब आपको एक चीज बता दूं, उस्मान साहब का मुद्दई लाख, मैंने उनको कह दिया आना चाहिए था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इमरान खान साहब के नसीब में अगर मुल्क का वजीर आजम लिखा हुआ है, अगर उनके नसीब में इस कौम को लीड करना है, कोई इनका रास्ता नहीं रोक सकता। माइनस वन हमें उस सूरत में कबूल है अगर वो किसी आईनी जरिए से हो, और वो माइनस नहीं होता, वो अदालत फिर आपको एक प्रोसेस के बाद सजा मिलती है। मियां साहब आखिरी बात, क्योंकि मैं करीम ख्वाजा साहब का टाइम ले गया हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुए, ख्वाजा साद रफीक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस चला है और आपको पूरा पूरा मौका मिला, और आपको पता था साद रफीक साहब के, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं थे। सिंपल सी बात है, आपने भी कोई 25-30 साल सियासत की है, मेरे कोई 4.5 साल एमएनएशिप है, मेरे दादा सन 47 से सियासत में थे, मेरा सन 27 से, मेरी फैमिली का रिकॉर्ड उठा के देख ले, आप भी अपना रिकॉर्ड उठा के आप पे रख ले, देखें इस कौम से झूठ नहीं बोलना, हमने कौम से झूठ नहीं बोलना, कौम से चोरी नहीं करनी, आप बताएं, मैं भी बताऊंगा, आप भी बताएं, हमारे असासे, हमारी गाड़ियां, हमारे घर किधर से बने हैं, पहले हमारे पास क्या था आज से 20 साल पहले और आज हमारे पास क्या है। जज्बाती बातें करना बड़ी आसान है, फैक्ट सामने लेके आए, अदालत पूछती है आप ले आए ना मनी ट्रेल, क्यों नहीं दिया मनी ट्रेल? अच्छा वकास साहब मेरे साथ मौजूद है, कॉलर है, एक उनसे बात करूं। जी वकास साहब, जी वाइस साहब, राम साहब, अली मोहम्मद खान साहब से चंद लम्हों पहले एक दोस्त ने सवाल किया था कि खान साहब क्यों नहीं आए, तो खान साहब की 2013 से हाजिरी इतनी ही है, खान साहब शायद पार्लियामान को कुछ समझते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तकरीरें करना बहुत आसान है, बनीगाला में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो करोड़ों अवाम की नुमाइंदा की पार्लियामेंट है सर, इसको क्यों नहीं कुछ समझा जाता, क्यों नहीं अहमियत हामिल दी जाती, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है खान साहब की जो इस कौम को समझ नहीं आ रही कि मतलब जहां पर अवाम की बात करनी हो तो वो आते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो वो फॉरेन बनीगाला में तमाम टीवी चैनल्स को बुला लेते हैं, तो इस असेंबली में कौन जवाब देगा, वो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आते हैं तो हमारे वोटों का हिसाब हमें कौन देगा? ठीक है, ठीक है, मैं अपने भाई वसीम साहब थे ना, वकास साहब को बहुत बहुत सलाम, और आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि खान साहब को आना चाहिए था, वो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इनकी शायद इंक्लिनेशन नून लीग की तरफ थोड़ी मुझे ज्यादा लगती है। वैसे एक चीज मैं बता दूं, अच्छा, ये मत करें, ये मत करें। भाई एक बात मैं बता दूं, सवाल अगर किसी भाई एक बात मैं बता दूं आपको, ब्लेम ना कर दे, एक बात मैं आपको बता दूं, ऑनेस्ट बाय गॉड, एक बात मैं आपको बता दूं, इस पार्लियामान से आज जो अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होके यहाँ की मेजोरिटी पार्टी ने
चोरी और करप्शन को, फ्रॉड को लीगलाइज आज करवाया है। मैं समझता हूं उनको तो छोड़े, मुझे भी आज नहीं आना चाहिए था। अगर इस पार्लियामेंट में यही होना है, आईन का इसी तरह मजाक उड़ाया जाना है, इस पार्लियामेंट में आके फिर इमरान खान ने करना क्या है? वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान को इसलिए नहीं कि मेरा लीडर है, उसको आप इस सीन से निकाले ना। देखिए लीडर इमरान खान है, देखें इमरान खान को इस सीन से आप निकाले ना, इस पॉलिटिक्स से। वो जो आदमी खड़ा है ना स्टेटस को के खिलाफ, उसको निकाले ना बीच में से, आपको इस सियासत से यकीन जाने गिन आएगी। तफुन ज्यादा, करप्शन ज्यादा सियासत है, गिन आएगी आपको। कोई नहीं खड़ा हो रहा है इस वक्त, ये एक आदमी है, इसको निकाल दे बाहर, इसको कर दे -1, इस सियासत में इससे घिन आएगी आपको। अच्छा चले, शेख आफताब साहब ने आना था, शेख आफताब साहब नहीं है, शेख आफताब साहब क्यों नहीं है ये मैं शो के बाद ही पता करके बता सकूंगा, लेकिन उन्होंने आना था वो नहीं है, और मैंने उनका नाम भी लिया था। लेकिन जफर अली शाह साहब एज़ यूजुअल बड़े अच्छे खुले दिल के आदमी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। शाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शाह साहब, डू यू थिंक कि ये जो आज अचीवमेंट थी और ये अचीवमेंट जो आज ऐसे हुई फ्लोर में, और इस पे आप लोग खुश हैं, इट्स गोइंग टू लॉन्ग लास्ट, या इसके असरात जो है आइंदा आने वाले दिनों में नेगेटिव पड़ेंगे या पॉजिटिव होंगे? जी दादा साहब, इस पे जाती हैसियत में बात कर सकता हूँ कि वो ये कि जी शाह साहब, ये मैं आज कर रहा हूँ कि ये आपने फरमाया कि अचीवमेंट है, आई डोंट थिंक कि ये अचीवमेंट है किसी के लिए भी, इधर साइड दिस साइड या दैट साइड, ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक बिल्कुल यूनिक सा, एक बिल्कुल एक पार्लिमानी हिस्ट्री में ये एक अजीब सी बात है कि जो आज हुई है, जिसको नेशनल असम्बली ने इसमें खिलाफ के एक बिल को उन्होंने शिकस्त दी है, दूसरी रूलिंग पार्टी ने, हमारी पार्टी ने। और आप ये देखें कि इस ये वो बिल है, इससे पहले ये बिल पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अपर हाउस में ये पास हो चुका है। अपर हाउस जो है वो नुमाइंदगी करता है वफाक की, पूरे चारों सूबों की, पांचवें बल्कि इस्लामाबाद की भी, तो ये वहां तो ये पास होके आया, थ्रू हो गया, आके नेशनल असेंबली में डिफीट कर खा गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये राणा साहब अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग बात है कि एक बिल सेनेट में तो पास होता है, नेशनल असेंबली में आके डिफीट खा जाता है। तो इससे मैं तो कोई मुतमिन नहीं हूं, ना मैं इसको अचीवमेंट समझता हूं कि ये कोई अचीवमेंट है, ये पार्लियामानी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की पार्लियामानी हिस्ट्री में इसके, जनाब ने पूछा कि आंदा इसके असरात क्या होंगे, इसके डेफिनेट आंदा नेगेटिव असरात होंगे, पॉजिटिव असरात इस बिल के पास होने के नहीं हो सकते। क्यों नेगेटिव क्यों होंगे शाह साहब? नेगेटिव इसीलिए कि मैं शुरू में मैं कह चुका हूँ कि चूंकि वफाक की वो मैं समझ गया शाह साहब, लेकिन आप नेगेटिव है, यही मैं इसलिए यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये देखना, अगर या तो वहां पर भी ये पास होता पार्लियामेंट के, ये कोई नॉर्मल है ये जी शाह साहब बोलिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो नॉर्मल लेजिस्लेशन नहीं है, ये एक ऐसी लेजिस्लेशन है, एक ऐसे फर्द से मुंसलिक है कि जिसको पाकिस्तान की, देखे ना दूसरे लफ्जों में ये सारा हो गया कि इस बिल के अमायती जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाक की नुमाइंदा हाउस जो है सेनेट, ये दो जो हैं वो उसकी अमायती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेनेट, और जो दूसरा नेशनल असेंबली है जो कि एक ब्रूटल मेजोरिटी जिसमें बैठी हुई है उसकी वजह से वो डिफीट खा गया वक्त। तो इसके डेफिनेट जो है वो नेगेटिव असरात पड़ने हैं आने वाले दिनों में। डू यू एग्री विद दिस वन फॉर साहब? देखें नेगेटिव असरात पड़ने, मतलब ये शाह साहब एक पार्लियामेंटेरियन है और मुस्लिम लीग पर जब मुश्किल वक्त था तो ये शाह साहब थे जो कि कोर्ट में गए थे
और इस हवाले से मैं इनको बड़ा इज्जत से देखता हूँ कि इन्होंने मुश्किल वक्त के नेगेटिव असरात पड़े। नेगेटिव ये कि हो सकता है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाए, ये जो शिक है वो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाए। मैं बताता हूँ क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगी दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसने सुप्रीम कोर्ट से लाजमन स्ट्राइक हो जाना है, स्ट्राइक डाउन हो जाना है। उसकी वजह यह है कि आपको कदगन अपने आईन के ऊपर भी कुछ कदगन है और आईन के और पार्लियामान के ऊपर एक कदगन है, और कदगन ये है इन पे एक पाबंदी है कि कोई भी आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो आपकी इस्लामिक लॉ खिलाफ हो, और ये उस बुनियाद पे स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। एक दूसरा देखें, मैं सब लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, मैं आई एम न्यू टू दिस फील्ड कंसिडरिंग, मेरे साथ ख्वाजा साहब बैठे हैं या शाहजी, तो जितनी मेरी उम्र है उतना उनका सियासी तजर्बा है। लेकिन ये जो हमें ये चूरन बेचा जाता है ना, पार्लिमानी सॉवरेंटी फलाना, कोई सॉवरन मावरन नहीं है भाई, सॉवरन सिर्फ अल्लाह की जात है और कुरान करीम, ठीक है जी। ये मुल्क अल्लाह ताला जो है, इसने जो अल्लाह ताला ने जो बनाया है, इसकी इख्तदार अल्लाह ताला के पास है और वो आपका आईन कहता है। तो हाउ कैन यू मेक अ लॉ विच इज अगेंस्ट इस्लाम, ये चीज है। ये स्टॉक डाउन इसका मॉरल एस्पेक्ट है जो बड़ा नेगेटिव है राणा साहब, बड़ा नेगेटिव है। देखें ये जितने आज 160 या जितने भी नून लीगी जो हमारे भाई बहनों ने जो ये काम आज किया है, वैसे उनसे मेरा सवाल है, उनसे मेरा क्या ये लॉ पास करने के बाद आप अपने बच्चों को घर में कह सकते हैं कि बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आप कह सकते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या आप कह सकते हैं बेटा आपने फ्रॉड नहीं करना, क्या आप अपने बच्चों को नून लीगियों को अच्छा, पास एक किया एक है एक मिनट जाके स्ट्राइक डाउन हो सकता है ये, इसमें इसके बड़े मैं समझता हूँ कि मोर देन 70-75% चांसेस है। मोर देन कितने सर? 75% चांसेस हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाए, मतलब स्ट्राइक डाउन हो जाएगा जी। हाँ ओके, सो आप एज अ मुस्लिम लीगर आप कह रहे हैं कुछ आज हुआ असेंबली में 75% इसके चांसेस हैं कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं शाह साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं मजीद कुछ पूछना चाहूँगा कि असेंबली से बाहर क्या हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है या कोर्ट्स में क्या हो सकता है इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए, और कॉल्स भी आपकी ले रहा हूं, जो भी कॉल करना चाहे जरूर कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आपकी लाइव कॉल्स आ सकती हैं, आप राय रास्त कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, जो पैनल में मौजूद है यहाँ पर राय देना चाहे जरूर दीजिएगा। जफर अली शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बहुत बड़ी बात की, आपने कहा जी 75% चांसेस ये हैं कि जो आज जो कुछ भी हुआ असेंबली के अंदर ये कोर्ट्स में बिल्कुल स्ट्राइक डाउन हो सकता है, 75% चांसेस है इसके। ये किस, आप एक लॉयर भी हैं और मुझे ज़रा समझाइए कि कैसे हो सकता है, क्या इस पर प्ली क्या ली जाएगी, जो लॉ मिनिस्टर ने प्ली ली उसको भी जरा मद्देनजर रख लीजिएगा और फिर उसके बाद समझाइएगा हमें, मैं जरा आपसे सीखना चाहता हूँ, लोग भी समझना चाहते हैं। जफर अली शाह साहब को मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही मेरी जी, दोबारा मिलाएं भाई, और क्या नजर आता है, कुछ चांसेस हैं इस पे जैसे जफर अली शाह साहब कह रहे हैं? तो मैंने पहले कहा था कि जफर अली शाह से कि देयर इज़ अ चांस के स्ट्राइक डाउन हो जाए, वो तो कह रहे 75% चांसेस है। हाँ ये तो वकील नून के रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं जफर अली शाह साहब, और वो कह रहे हैं कि जनाब 75% चांसेस हैं कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। देखिए हर पार्टी में अग्रीड और डिसअग्रीड तो चीज़ें होती है, कब्रिस्तान की खामोशी तो किसी भी पार्टी में सूट नहीं करती है, उनका अपना व्यू है और ये व्यूज हर पार्टी, उनकी लीडरशिप तो इस बात पे बड़ी नाखुश होगी। नहीं वो भले हो मगर ये व्यूज डिसएग्रीड एग्रीड नहीं, आजकल वैसे ऐसे लोग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं अली साहब, आप कर सकते हैं ख्वाजा साहब? देखिए अली शाह साहब जिस एज में आ गए हैं उस एज में वो कर सकते हैं, जवान है अभी यार, क्या हो गया? नहीं मैं एक
और जिस तरह आज 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 जिस तरह आज जमाली साहब ने भी डिसएग्री किया ना, तो ये कहाँ चले गए थे आप? जी जी नहीं, वो और लाइन कट गई है, ये खतरनाक बात हुई। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था मैं कि जनाब आप तो बड़े दलेर आदमी हैं। अल्लाह खुश रखे जी। नहीं बस दिलेरी खैर में क्या है जी, लेकिन जमीर के मुताबिक और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट्स ऑल। आज बड़ी 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 अच्छी बात कर रहे थे अली, कह रहे थे कि जिस तरीके से आज मैंने देखा है असेंबली के अंदर के लोग कैसे गिरते हैं और पांव में गिरते हैं कुछ लीडरान के, मुस्लिम लीग नून के लीडरान के, छान हो गया। लेकिन एनीवेज उस हिसाब से अगर देखा जाए, वो कंपैरिजन अगर किया जाए, तो उस हिसाब से आपने बड़ा बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। वो जैसा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने आज जो प्ली ली कि जनाब ये ऐसे सारा गया, सब कमेटी ने ऐसे अप्रूव किया और ये ऐसे हुआ और भुट्टो साहब ने ऐसे किया था और मुशर्रफ ने ऐसे किया था और वो हुआ था, इन सारी चीज़ों पे डेफिनेटली जब सुप्रीम कोर्ट में अगर स्ट्राइक डाउन होगा, जैसे आप 5% चांसेस है उसके स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर भी डिस्कस होंगी, तो वहाँ पर क्या अपील ली जा सकती है जिसकी वजह से स्ट्राइक डाउन होगा? देखिए जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रमुख है जी, मोटी मोटी बातें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो ला आया है जो कि इलेक्शन एक्ट की उस 56 में इसको डालकर तमाम इलेक्शन लॉज इकट्ठे करके उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 था वो भी डालकर इन्होंने एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसी ला मेकिंग नहीं हो सकती राणा साहब जिसमें एक किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाया जाए या किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए, ये दोनों इस किस्म की ला मेकिंग नहीं हो सकती, नंबर वन। नंबर दो ये कि ये ऐन उस वक्त हुआ कि 28 जुलाई को एक फैसला आता है जिस फैसले में एक शख्स को पीएम ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उसके साथ ही इसको कैमरा ट्रिक भी कहा जा सकता है कि 28 जुलाई को पाकिस्तान का एक तीन स्तून में से बड़ा स्तून, भारी स्तून जो कि कोई कानून या कोई अमेंडमेंट जो आइन के खिलाफ हो उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है, और इससे पहले किया है उन्होंने कई दफा, हिस्ट्री पड़ी पड़ी है, तो उसको दूसरे लफ्जों में पार्लियामेंट ने, यानी एक अलग पिलर है, उसने एक दूसरे पिलर को शिकस्त देने के लिए उन्होंने ये, तो इसलिए इसमें कोई इतनी, और अब तीसरी बात जो मैंने अभी आपको मैं कह रहा था कि इस आपका बिल के खिलाफ, उस अमेंडमेंट के खिलाफ ने अपनी एक ला मेकिंग प्रोसेस में उन्होंने राय ये दे दी है कि गलत है, ये स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, मतलब जिसको आज नेशनल असेंबली ने नहीं माना, तो ये सारी चीजें जब जाएंगी तो ये डेफिनेट है जो है इसमें बहुत बड़ा चांस है कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाए। अच्छा, मुझे एक एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं अली मोहम्मद से कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इनको मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में एज अ लॉयर, एज अ सीजन लॉयर, आपकी नज़र में इसमें कितना अरसा लग सकता है इसको स्ट्राइक डाउन होने में? ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, डेफिनेटली है जी, लेकिन फिर भी आप वो कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ना इसमें सिर्फ वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी के किस तरह फिट करती है, अकोमोडेट करती है कब इसके को, लेकर तो ये इट्स ए मैटर ऑफ 3-4-5 डेज ठीक ये हो सकता है। ओके, कौन सा? अच्छा, सऊदी अरब से एक कॉल है अली साहब, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। सऊदी अरब के कॉलर्स को अब्दुल मजीद साहब है। अब्दुल मजीद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। मजीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कॉल है आपका।
जी मैं भाई अपने अली मोहम्मद से पूछना चाह रहा हूँ। अली मोहम्मद की आज सख्ती है बहुत। नहीं नहीं मैं ताबेदार। अच्छा मैंने कहा अली मोहम्मद की आज बहुत सख्ती है, अली मोहम्मद से बहुत जी साहब से कोई सवाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान में पनामा पेपर्स के अलावा भी कोई इशू है, नवाज शरीफ के अलावा भी कोई इशू है? अली मोहम्मद भाई से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा पनामा, अच्छा हाँ। सवाल ये है अली मोहम्मद खान भाई से और दूसरे पॉलिटिशियन से भी कि पनामा के अलावा भी कोई इशू है या यही है? मैं बताता हूँ ये पनामा पेपर्स या इसके नवाज शरीफ के अलावा भी कोई इशू है पाकिस्तान में, दूसरा कोई इशू है? अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। जी जी पहले आप बताओ। मजीद साहब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो शुक्रिया। अच्छा, और करीम साहब आप। थैंक यू। बहुत से आए, मैं अग्री करता हूं आपसे कि पाकिस्तान में गरीबों के इश्यूज हैं, लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं, मजदूरों के इश्यूज हैं, इसमें महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, लॉ एंड ऑर्डर। बदकिस्मती से हमारे जो मीडियाज और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स और मीडिया, उसमें सिर्फ पर्सन स्पेसिफाई, जिस तरह हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त जरदारी साहब के खिलाफ ही बात होती थी कि NRO के बात होती थी। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड सही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से गरीबों के इश्यूज़ हैं और इस तरह के इश्यूज़ को बार बार डिस्कस नहीं होता है, तो होना चाहिए। और ये मैं आपके पास अग्री करता हूँ कि जो इसके अलावा भी इश्यूज होना चाहिए और वो मसले हल होने चाहिए। okay. और वो पार्लियामानी हल कर सकती है, पर ये बदकिस्मती है हमारी। okay. जी अली साहब। मजीद साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके लिए दुआ है। आप सऊदी अरेबिया में हैं, अगर कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे गए तो हमारा सलाम ज़रूर उनको कहिएगा। देखें मजीद साहब, आपकी बात में बड़ा वजह और भी और इशूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन देखें पनामा इज़ नॉट अबाउट नवाज शरीफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का नहीं। जिस मुल्क में जुल्म का निज़ाम हो वो मुल्क फिर नहीं चला करते। पनामा बेसिकली इंसाफ के निज़ाम की बहाली के लिए उस पर डिपेंडिंग एक केस है। अगर इस मुल्क में इंसाफ होगा मजीद साहब, तो फिर आप मजीद साहब, आप और आप जैसे लाखों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में मजदूरी या जॉब ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आप वहाँ क्यों बैठे हैं मजीद साहब? आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है? आप वहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आपका यहाँ किसी ने, आपके माँ बाप या उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, आपके बच्चों को अल्लाह उनकी कफालत बेहतरीन तरबियत करे, क्या आपका हक नहीं है कि अपने मुल्क में अपनी नज़र के सामने अपने बच्चों की तरबियत करें? आपका हक अपने वालिदैन की खिदमत इस मुल्क में करते। अगर इस मुल्क में इंसाफ होता यहाँ आपको जॉब मिलती। यहाँ वो अंग्रेज नहीं है जिनसे हमने जो आज़ादी ली है, उन अंग्रेजों को इधर जॉब ढूंढने आना पड़ेगा। इतना खजाना है इस पाकिस्तान की पाक सरजमीन के नीचे, लेकिन जब तक चोर इसके ऊपर बैठे रहेंगे मजीद साहब, लाखों करोड़ों मजीद को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए अगर इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं तो फिर पनामा के फैसले का सही हल वो हमें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। जफर अली शाह साहब से भी मैं इसका जवाब लूंगा। जफर अली शाह साहब सऊदी अरेबिया से हमारे दोस्त अब्दुल मजीद साहब पूछ रहे हैं कि इस मुल्क में पनामा के अलावा भी कोई मसला है या यही मसला है? देखे जी, मेरे बड़ी जगह बैठे हैं सऊदी अरब में राणा साहब, ये बहुत बड़ा इशू है। और आपने आलिया जी जी जफर अली शाह साहब, अच्छा जफर अली शाह साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। पाकिस्तान का इस वक्त मसला ही यही है राणा साहब। आपने देखा होगा कि ये आलिया अभी चंद दिन हुए एक डिटेल जजमेंट आई थी मियां नवाज शरीफ साहब की रिव्यू पिटीशन पे, और उसका जिक्र अपने अहमदाबाद के जलसे में भी बहुत बड़ा तफसीली किया है। जनाब ने देखा है कि उसमें उन्होंने जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि तू राजनों की बात ना कर, तेरी राहबरी का सवाल है कि तू मुल्क का वजीर आजम है। ये अब उन्होंने सऊदी अरब से पूछा कि और भी कोई मसला है? इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही।
कौम की कौम का राहबर, किसी कौम का वज़ीर आज़म, किसी कौम का सदर, बिल्कुल ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मुल्क की कह रही है कि तुम चोर हो, उचक्के हो, और साबित हो गया तुम जवाब नहीं दे सकते। राणा साहब और क्या मसला हो, और कोई मसला और हो? बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, मैं बिल्कुल ठीक है शाह साहब, मैं एक आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे एक बात की थी कि क्या आप लोग इस तरह की बात कर सकते हैं, जफर अली शाह साहब जिस तरह बात करते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। इमरान खान अगर खुद शेर है तो उसने नीचे चीते रखे, गिदड़ नहीं रखे। कभी भी इमरान खान खुदा ना खास्ता वो काम नहीं करेगा जो मियाँ साहब ने किया है, मुल्क को लूटने वाला। जिस दिन इमरान खान ने वही किया जो नवाज शरीफ ने किया है, अली मोहम्मद, मुराद सईद, शरियार अफरीदी, हम जैसे बेशुमार नौजवान से पूछेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि आज अगर एक आदमी इमरान खान की शक्ल में इस निजाम में करप्शन के सामने खड़ा है तो क्यों? बिल्कुल ठीक है जी, ये हक है उसका, ये खड़ी हो उसके, कोई और नहीं उठेगा। आई हैव टू वाइंड अप अली साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन जी। और जाते जाते जरा मैं शाजिया मरी साहिबा का वो क्लिप तो दिखा दूं। आज तो बड़ी उन्होंने खुल के तकरीर किया, उनको अप्रिशिएट तो करने दें, कोई बुराइयां तो हम कर देते नहीं, मैं 10 दफा करूंगा शाजिया मरी को अप्रिशिएट, ऐसी कौन सी बात है। दिखाई दी एक पैनामा के बाद ये सूरत हाल जो है शिद्दत पकड़ गई, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में शामिल लोग आज हमें ये ना बताएं कि हमारा स्ट्रगल क्या था। हमारा स्ट्रगल कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहा है। हमने कभी एक शख्स के लिए अगर